आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात नतायज के बाद बीआरएस पार्टी के दफ्तर को ताला लग जाएगा, रियासी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया दावा। किसानों से भीगे हुए अनाज की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए, साबिक वजीर के हरीश राव ने ज़िला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मुस्लिम तहफ़ुज़ात को ख़त्म किया जाना चाहिए, बीजेपी रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण का बयान। ज़रई बीज गैर क़ानूनी तौर पर मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार, 36 लाख रुपए मालियती बीज जब्त, साइबराबाद SOT ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद बीआरएस के दफ्तर को ताला लग जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस इस दफ़ा लोकसभा इंतखाबात में एक भी निश्चित हासिल नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से दफ्तर पर ताला लगेगा। दरगाह में इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे। रियासी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस 4 जून को पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज में एक भी निश्चित हासिल नहीं करेगी और बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के हेडक्वार्टर को खुफल भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव में वजीर आला रेवंत रेड्डी का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए असेंबली इजलास से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। कोमट रेड्डी ने साबिक वज़रा KT रामाराव और हरीश राव की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर की जाने वाली तनकीद की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के फौरी बाद किसानों से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। నీలాగా ఆయన రాలే కదా, ఆయన జడిపిడిసీ ఇండిపెండెంట్ గెలిచిండు, ఎమ్మెల్సీ ఇండిపెండెంట్ గెలిచిండు, తర్వాత వేరే పార్టీకి పోయిండు, తర్వాత కాంగ్రెస్ కు వచ్చిండు, ప్రజల మధ్య పోరాటం చేసిండు, ముఖ్యమంత్రి అయిండు. నువ్వు ఆయనను పట్టుకొని సిగ్గుమాలిన పనిగిమాలిన సీఎం అంటే మరి నువ్వేం నిన్నేమని చెప్పాలి? KTR నేమని వినాలి? నిన్ను నువ్వేమైనా పొద్దున్న లేదు అమెరికా గోవా బాంబే తిరుగుకుంటే మొత్తం నలుగురు నేర్చుకుని నలుగురే IAS ఆఫీసర్లు మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టిండు. साबिक वजीर और बीआरएस कायद हरीश राव ने जगतियाल के किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और हालिया बारिश के बाद होने वाले नुकसान की तफसीलात भी हासिल की। बाज़ा हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से किसानों को नुकसान का सामना है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों से भीगे हुए अनाज को ख़रीदने के इकदाम करें और किसानों को माली राहत भी फराहम की जाए। बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को न तो 1500 रुपये बोनस दिया है और न ही खर्जात मुआफ़ किए गए हैं। कौमी सदर बीजेपी OBC मोर्चा और रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट की जानिब से मुस्लिम तबके को दिए जाने वाले तहफ़ुज़ात पर रोक लगाने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि दरियाला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी वोट बैंक की सियासत करते हुए और अकलियतों के वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम तबके को तहफ़ुज़ात दी हैं और BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम तहफ़ुज़ात को ख़त्म किया जाना चाहिए। बंगाल में 2010 के बाद सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय का स्वागत भारतीय जनता पार्टी आज किया जा रहा है। आज ममता दीदी ने OBC आरक्षण की
सब कैटेगरी में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देकर ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया था, जिसे आज कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द करके पिछड़े वर्ग को न्याय देने का कार्य किया है। भाजपा ने हमेशा ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने का निर्णय को विरोध किया था। हमारे राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण को विरोध किया, फिर भी ममता दीजी हो या कांग्रेस पार्टी हो या हमारे कांग्रेस के कर्नाटक सरकार हो, आंध्र प्रदेश में बीआरएस सरकार हो, आंध्र प्रदेश में या वाईएसआरसीपी हो और तेलंगाना में बीएस सरकार हो, सीनियर सीपीआई खायद के नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीजेपी खायदीन को इंतखाबात के दौरान मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुस्लिम तबके के खिलाफ किए जाने वाले रिमार्क्स पर दी जाने वाली नोटिस का खैर मकदम किया और बताया कि बीजेपी मुसलसल पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के दौरान जहर अफशानी करती आ रही है कि नारायणा ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस खुफिया तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की तायद कर चुकी है और सीपीआई की जानिब से कांग्रेस को तायद करने पर तनकीदें की जा रही हैं। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने भूपालापल्ली में आईकेपी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आला को निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में बैठने के बजाय यहां आकर किसानों के आंसुओं का मुशाहदा करें। उन्होंने ये भी बताया कि कई किसान बारिश की वजह से अपनी धान को सुखाने पर मजबूर हैं। అని మాటలు మాత్రం చెప్తున్నారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ ఉదయం జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రం చూసినా అదే పరిస్థితి, ఇప్పుడు భూపాలపల్లి జిల్లా కమలాపూర్ గ్రామంలో చూసినా అదే పరిస్థితి. రాష్ట్రమంతా కూడా అకాల వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిచిపోయి రోజుల తరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ కమలాపూర్ రైతులు చెప్పారు, గతంలో పోయిన సంవత్సరం యాసంగిలో 3 రోజులు 4 రోజుల వడ్లు పోయినాయి, ఇవాళ 15 రోజులు 20 రోజులైనా వడ్లు పోతున్న పరిస్థితి లేదని చెప్పి రైతులు ఎంతో బాధపడతా ఉన్నారు. దాదాపు 20 రోజులు కష్టపడి వడ్లు ఆరబెట్టి మరి జోకుమంటే సంచులు ఇయ్యలేదు, రాత్రి వర్షం పడి మొత్తం తడిచిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తడిచిన వడ్లను కూడా కొని రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జాయింట్ కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడినాం, సమస్య తీవ్రతను అధికారుల దృష్టికి కూడా తీసుకుపోతా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూర్చొని జిల్లాకు ఒక ఆఫీసర్ని పెట్టినామని చెప్పడం కాదు, మీ అధికారులు కానీ మంత్రులు కానీ క్షేత్ర सिकंदराबाद बोयिनपल्ली में भी शराब की बोतलों से लदी लारी लबे सड़क उलट गई। देखते ही देखते रास्ता चलने वालों का हुजूम जमा हो गया और वो शराब की बोतलें उठाकर चलते बने। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक भी जाम रही और पुलिस को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शराब की बास बोतलें टूट कर फैल गई थी, जिसकी वजह से हर तरफ शराब और कांच के टुकड़े नजर आए। साइबराबाद के हदूद में गैर कानूनी तौर से सरकारी जरई बीजों की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में कपास के बीजों को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा था।
इतला मिलते ही महकमे ज़राअत और सबराबाद SOT ने धावा करते हुए 1.4 टन बीजों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि किसानों को ज़ायद कीमत पर ये तुख्म फराहम किए जा रहे थे। नशे ने एक और नौजवान की जान ले ली है। ये अफसोसनाक वाकया कर्नाटक के कमलापुर बदलागोपा के हदूद में पेश आया। बताया गया है कि हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा बनलागुड़े के साकिन 4 दोस्त तफरी के लिए कर्नाटक गए थे। साजिद नामी नौजवान, जो मुबैना तौर पर नशे में था, अपने दोस्तों के उकसाने पर नदी में कूद पड़ा। अफसोस की बात देखने में आई कि इसके दोस्त इसके डूबने की वीडियो बनाते रहे और सिर्फ चिल्लाते रहे। उसे बचाने की कोशिश में वो नाकाम रहे और साजिद पानी में डूबकर फौत हो गया। लाश को पानी से निकाला गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सिद्दीपेट में भेड़ियों के हमले में 60 से ज्यादा बकरे और बकरियां हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक चिन्ना कुडोरू मंडल के माचापुर देहात में ये वाकया पेश आया। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से यहां पर भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है और मवेशियों को निशाना बना रहे हैं। अब तक 60 बकरे और बकरियों के मारे जाने की इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुतालिका हुकाम भी मुकामी वाकया पहुंचे हैं। किसानों को ऐन ईद उल ज़ुहा से पहले गैर मामूली नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में मवेशी मारे गए हैं। हैदराबाद में इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने वाली गजाई अशिया बशमूल चॉकलेट्स और आइसक्रीम की फरोख्त के खिलाफ फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की धावी जारी हैं। बंजारा हिल्स पर वाक़े लिबनल फाइन बेकिंग पर धावा करते हुए मोनालिजा डार्क और वाइट चॉकलेट्स के पैकेट्स जब्त किए गए। इसके अलावा अमेरिकन विंग्स के बोतल्स भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी इसे फरोख्त किया जा रहा था। बास्किट रॉबिन्स बंजारा हिल्स पर धावा करते हुए इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हुए चॉकलेट्स को जब्त किया गया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी चॉकलेट्स और गजाई अशिया की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। एलबी नगर के पास कार शोरूम के इंतजामिया की तरफ से एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि एलबी नगर कामिनेनी हॉस्पिटल फ्लाईओवर्स के पास गुज़िश्ता चंद सालों से एम्बुलेंस गाड़ियां पार्क की जा रही थीं। करीबी हॉस्पिटल बर वक्त पहुँचने के लिए यहां पर एम्बुलेंस पार्क की जा रही थी। इस बात को लेकर कार शोरूम के इंतजामिया का कहना था कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। इसी बात को लेकर बहस व तकरार हुई और फिर लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। पता चला है कि इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
तेलुगु रियासतों में बसों के उलटने के दो मुख्तलिफ हादसात में दो अफराद हलाक और 35 अफराद जख्मी हुए हैं। हैदराबाद से अदूनी जाने वाली बस का तवाजुन बिगड़ गया और कर्नूल जिले के कोडमोरू के पास बस उलट गई। इस हादसे में दो बच्चों के हलाक होने की इत्तला मिली है, अभी इस बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं। हादसे में 20 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ आदिलाबाद से हैदराबाद आने वाली खान की बस सिरंगापुर निर्मल जिले के पास तवाजुन बिगड़ने से उलट गई। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कुल्लू में इत्तेहाद المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی مسائل کی یکسوئی میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت کلو میں اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقے بہادر پورہ محمد مبین نے رات دیر گئے بارش کے بعد سیوریج لائن اوور فلو ہونے کے مسائل کا جائزہ لیا۔ بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ بہادر پورہ چوراہا پر جو سیوریج لائن ہے وہ اوور فلو ہو چکی تھی اور بارش کے بعد اس میں کچرا پھنسنے کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر بلدی عملے کو متحرک کیا گیا اور مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے ہمراہ اس مسئلے کی یکسوئی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیل بھی بتائی۔ ریاستی حج کمیٹی کے توسط سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت حیدرآباد میں واقع نامپلی حج ہاؤس سے عازمین حیدرآباد میں واقع شمش آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں، جہاں سے وہ مدینہ منورہ کے لیے پرواز کر رہے ہیں۔ 23 مئی جمعرات تک عازمین حج کی تقریباً 10,207 پر مشتمل تعداد 35 پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچ چکی ہے۔ جمعرات کو بھی شمش آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 3 پروازیں گئیں، جن میں تقریباً 845 عازمین حج موجود تھے۔ حج کمیٹی چیئرمین مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا کے علاوہ مولانا صوفی خیر الدین قادری اور دیگر نے جھنڈی دکھا کر عازمین کو روانہ کیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر لیاقت حسین، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ لا شريك لك ربيك اللهم ربيك
और हज कमेटी की जानिब से हमको हुज्जाज इकराम की रवानगी के लिए हमको यहाँ पर मदु किया गया था। आज ये 34वां काफिला है और इसकी फ्लाइट सुबह 9:20 पर शमशाबाद से रवाना हो रही है और इस काफिले में 280 आज़मीन रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम के लिए बहुत ही अच्छे इंतज़ाम हैं, जिसके लिए मैं चेयरमैन हज कमेटी जनाब खुसरो पाशा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हुकूमत तेलंगाना का भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे हुज्जाज इकराम जो यहां से मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं या मक्के मौजमा जा रहे हैं और इन हुज्जाज इकराम के साथ जो खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जा रहा है तो उनके ताल्लुक से चंद तहफ़ुज़ात जो है ना सामने आ रहे हैं कि वो अपने खिदमात को पूरे नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मुतालबा किया हूँ हज कमेटी से कि वो हुज्जाज इकराम के ताल्लुक से उनको पाबंद किया जाए और वो अपनी ज़िम्मेदारी ताकि पूरी कर सके। और एक मैं मुतालबा किया हूँ कि जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट होने का जो लुजुम रखा गया है उसको बर्खास्त करना चाहिए और उलमाए किराम की, मुफ्तियाने किराम की और अवामी खिदमत करने वालों के खिदमत को हासिल करना चाहिए। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का ये मुतालबा है। रियासत हैदराबाद के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 58वीं बरसी के मौके पर आसफ जाह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने उनकी मज़ार पर पहुँच कर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। साहिबजादगान की जानिब से तस्लीम शुदा नोवे निज़ाम रौनक यार खान ने भी एक वफद के हमरा मस्जिद जूदी पहुँच कर निज़ाम की खिदमात को खराज पेश किया। 7वीं निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान की 58वीं बरसी के मौके पर साहिबजादगान की जानिब से तस्लीम शुदा आसफ जाह ख़ानदान के नवे निज़ाम रौनक यार खान ने साहिबजादगान और दीगर के साथ किंगकोटी में वाक़ मस्जिद जूदी पहुँच कर निज़ाम की मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाना जाता था और वो एक सेक्युलर हुक्मरान थे। रौनक यार खान जो हुजूर निज़ाम के औकाफ़ के हकीकी मुतवली के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी निगरानी में मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रास्त रोज़ाना उनके मातहत निज़ाम के मुख्तलिफ इदारों का जायज़ा लेंगे जिनमें आशुरखाना मसाजिद और दीगर उमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आसफ जाही सल्तनत के 300 साल की तकमील पर निज़ाम ख़ानदान के अफराद ख़ानदान के साथ रियासत तेलंगाना के दरियाला और दीगर आला सरकारी अदारों के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें अवकाबी जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों से आगाह करेंगे। Already introduced me, so I don't have to go there. For the 50th death anniversary of Mir Usman Ali Khan, who was the 7th Nizam of Hyderabad, we've come to keep his memory alive for all the things he had done for Hyderabad, which everybody remembers him from. So I'm coming here in batches because all my cousins are not able to come here in time. I'm lucky to have Milad, my other cousin here, who's he's the grandson of Usman Ali Khan, being his son's son. And in Urdu it's called Potra. So he's a Potra, he's standing on my right and he'll be also talking something about the Nizam and some of the good he had done for the city which people are seeming to forget. And he never treated any religion, any culture differently. So that's why you see different people
of different faiths coming and walking in here to his grave and paying their respects. So I don't know if you can pan the cameras and take the shots of the other people coming in and out. We will do that when we have an opportunity, but right now we have to pray and offer a chadar made out of flowers, which is a custom, and which are going to do that with prayers at his grave, so to bless his soul, which is very important in Islam. And in Islam we don't bother so much about birthdays, but death anniversaries are very, very important too. ओवरसीज मैनपावर रिक्रूटर्स एसोसिएशन ओमरा के एक वफद ने प्रेसिडेंट डीएस रेड्डी की क़यादत में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद जे स्नेहजा से मुलाकात की और एसोसिएशन की जानिब से कई मसाइल पर नुमाइंदगी की। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने वफद को तयखुन दिया कि मसाइल की यकसुई के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। एसोसिएशन के वफद में वाइस प्रेसिडेंट एस ए हुसैनी अलीम, साबिक सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन, एसोसिएशन के काजिन सत्यम, एसोसिएशन रुकन सूर्या नारायणा, लीगल एडवाइज़र सैयद खलीलुल्लाह के अलावा वाइस प्रेसिडेंट IJFF नईम गौरी और दीगर भी मौजूद थे। इस मुलाकात के मौके पर डिप्यूटी पासपोर्ट ऑफिसर भी मौजूद थे। सुल्तान बाजार पुलिस ने एक कम उम्र लड़की का अगवा करते हुए उसे विजयवाड़ा मुंतकिल करने और वहां उसे शादी रचाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट रिमांड किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान बाजार पुलिस ने 27 साल एम हरी कृष्णा को हिरासत में लिया, जिसने 11 मई को एक नाबालिग लड़की का अगवा करते हुए उसे विजयवाड़ा मुंतकिल किया और वहां हनुमान टेंपल में उससे शादी रचाने के बाद उसे लॉज में महरूस रखा। पुलिस के मुताबिक माइनर लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 11 मई को दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में तलाशी मुहिम का भी आगाज़ किया था। ताहम लड़की ने 22 मई को पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में बयान दिया था। लड़की के बयान के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मुलजिम को हिरासत में लिया गया। तो 11 o'clock को इसका ये बच्ची 17 ईयर्स का बच्ची हैदराबाद अपना मेडचल के आजू बाजू यूनिवर्सिटी में बीटेक पढ़ रही थी फर्स्ट ईयर। उन्होंने क्या है फ्रेंड्स के साथ ये खरीदने के लिए कोटी आया। कोटी आने के बाद SVM में खाना खाने के बाद एक आदमी आया, एक इनको पहचानत का आदमी आया। आए तो वो बच्चियों को बोली ये हमारा बाबा होता, ये हमारा ब्रदर इन लॉ होता, बोल के उनको झूठा बोल के बच्ची उसके साथ चले गए। एक्चुअली चल जाने के बाद डायरेक्ट विजयवाड़ा गया। विजयवाड़ा जाने के बाद वहां से 22 विजयवाड़ा गया और सीधा यहाँ आया। फिर 20 यहाँ आने के बाद हम इमिडिएटली उनको वेरीफाई करके उसका माँ को बुला के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ बोले तो ये बच्ची माइनर है, 18 साल के अंदर ही है। जिस वजह से इनको इमिडिएटली मजिस्ट्रेट के पास भिजा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया और मेडिकल टेस्ट करने के बाद ये बच्ची को स्टेट होम में भिजाए और ये अदालत में है ना एक्यूज को अभी ये
ఏ కేసు కిడ్నాప్ అండ్ ఏ పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ రేప్ పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ సెక్సువల్ అసాల్ట్ అండ్ జో జో కేసెస్ సెక్షన్స్ హే ఉస్మే హమ్ ఓకే ఉన్కో రిమాండ్ కర్ రే పోలీస్ రిమాండ్ కర్ రే ఔర్ బాద్ మే జైల్ కు భీ జా రే ఇస్మే కమ్ సే కమ్ 20 ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ హే ఏ కేస్ जेचिमसी हदूद के मुख्तलिफ डिविजन्स में बलदिया की जानिब से छोड़े गए नामुकम्मल कामों के खिलाफ अवाम एहतजाज पर उतर आई है। इस सिलसिले के तहत नागोल में भी एहतजाज किया गया। नागोल से उपल तक जाने वाली सड़क गढ़ों से भर चुकी है और एक खातून ने नागोल रोड पर गढ़े के कीचड़ वाले पानी में बैठकर इस सिलसिले में एहतजाज किया। खातून ने जीएचएमसी से सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि काम नामुकम्मल तौर पर छोड़े जा रहे हैं। खातून की हिमायत बीजेपी लीडर सी सुरेंद्र ने भी की। नागोल कॉरपोरेटर के शोर मकामी लोगों ने जीएचएमसी के मकामी अहदेदारों से बात की और इसके बाद खातून वहां से रवाना हो गई। ఇక్కడ ఉప్పల్ నుంచి నాగోల్ వరకు వస్తుంటే 30 గుంత లెగ పెట్టుకుంటూ వచ్చా నేను. ఇది ఇది దారుణంగా ఉంది ఈ గుంత. ఇంకా నా వల్ల గాలే కూర్చున్నా ఇక్కడ కూర్చున్నా. ఇక్కడ లోతు గుంతలు ఎంత లోతునే మీరు ఒకసారి మెజర్ చేసుకోండి, మీకు తెలుస్తుంది. రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నాను సార్, ఈ రోజు కాదు, ఇది రోజు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి దయచేసి. ఇక్కడ కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు, కమిషనర్ గారితో మాట్లాడిచ్చారు, కానీ మాకు సాల్వ్ కావాలి. అసెట్ అలొకేట్ చేశా అని చెప్పారు బడ్జెట్, కానీ ఎప్పుడు సాల్వ్ అవుతుంది అనేది డెడ్ లైన్ ఇవ్వలేదు. ఆ డెడ్ లైన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మళ్ళీ అప్పటివరకు మేము మాట్లాడము, డెడ్ లైన్ ఇవ్వండి, ఒక టైం లైన్ ఇవ్వాలి. ఏంటి సార్, ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది, అది అదే అలొకేట్ అయింది, కానీ శాంక్షన్ అయింది, కానీ ఎప్పుడు చేస్తారో ఎవరు చెప్పలేదు. కమిషనర్ గారు కానీ కార్పొరేటర్ కానీ ఒక డెడ్ లైన్ ఒక డేట్ ఇస్తే మేము మళ్ళీ మాట్లాడము. దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్. కింద ఏం పడలేదు సార్, నేనే పడుకున్నా, నా డ్రెస్ మొత్తం చూడండి, పడిపోలే నేనేమి, నేనే కావాలని వెళ్ళి కూర్చున్నాను, నేను పడిపోలేదు. మా పిల్లలు ఒకసారి రెండు సార్లు పడ్డారు, చిన్న పిల్లలు. ట్యాక్స్ పేయర్స్ విఆర్ రోడ్ ట్యాక్స్, మీరు వెహికల్ కట్టినప్పుడు కడుతూనే ఉంటారు రోడ్ ట్యాక్స్. ఏ సార్ మనం నేను ఒక్క రూపాయి తీసుకోను ఎలక్షన్స్ అప్పుడు. రోడ్ ఉన్న రోడ్ బాగా చేయండి అంటే ఎందుకు బాగా చేయరు సార్? మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకందరికీ చెప్తున్నా నేను, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ కోసం చేసింది ఇది. సో రోడ్ అనేది మన ఇల్లులాగా, అది కూడా మనం చూసుకోవాలా? ఎవరికో పట్టింది, తిట్టుకుంటూ పోతే అవ్వట్లేదు పనులు, వాళ్ళు చేయట్లేదు. రోడ్ బాగా చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఇవే కాదు, హైదరాబాద్లో ఉన్న రోడ్లన్నీ గుంతలమయ్యాం. ఎన్ని హైటెక్ సిటీలు వచ్చినా రోడ్లు బాగాలేకపోతే నడవదు. సో రోడ్లు బాగా చేయాలి, రోడ్ ట్యాక్సులకి మాకు న్యాయం చేయాలి. ఇది మన డబ్బే, ఇది మన ఇల్లే, మన ఆస్తే, మనది మనం అడగడంలో తప్పు లేదు. అది प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ अराकीन ने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद का खैर मकदम किया, जबकि ओल्ड सिटी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और तहनीत भी पेश की। वफद में वेंकट रेड्डी, डॉक्टर तैयब पाशा खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
वाज रहे कि बीबी कैंसर हॉस्पिटल 40 साल तारीख रखता है और हाल ही में रेनोवा हॉस्पिटल्स के साथ एक माहिदा तय पाया है, जिसके बाद ये रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल हो चुका है। दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से वक्तन फवक्तन आवामी और फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट के एक वफद ने ओल्ड एज होम पहुंचकर अपने अतियात तकसीम किए। दक्कन एनआरआईज ट्रस्ट की जानिब से शिफाउल्ला नर्सिंग एंड ओल्ड एज होम वाक़े हसन नगर पहुंचकर वहाँ मौजूद अफराद में कपड़ों की तकसीम अमल में लाएगी। इलाबाजी ट्रस्ट की जानिब से वाटर डिस्पेंसर्स का अतिया भी दिया गया। इस वफद की क़्यादत इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने की, जबकि वफद में वाइस चेयरमैन सैयद कलीम, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक, एग्जीक्यूटिव मेंबर नवाब मुअज़्ज़म, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोइज़ आलम के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल अजीज़ और सुल्तान मोहियुद्दीन वासिक खादरी, जो कि ओल्ड एज होम चलाने वाले मरहूम खादरी साहब के ब्रादर होते हैं, वो भी मौजूद थे। इस मौके पर साहिल खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ट्रस्ट की जानिब से मरहूम डॉक्टर खादरी के फर्जंद सुल्तान मोहियुद्दीन को तहनियत पेश की गई और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की गई कि वो ओल्ड एज होम को अपने वालिद ही की तरह मुस्तैदी के साथ चलाएंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात नतीजे के बाद बीआरएस पार्टी के दफ्तर को ताला लग जाएगा, रियासी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया दावा। किसानों से भीगे हुए अनाज की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए, साबिक वजीर के हरीश राव ने वेरला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मुस्लिम तहफ़ुज़ात को ख़त्म किया जाना चाहिए, बीजेपी रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण का बयान। ज़रई बीज गैरकानूनी तौर पर मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार, 36 लाख रुपए मालियती बीज जब्त, साइबराबाद SOT ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।